एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और यहां किसान मेला चल रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं तो उनसे संबंधित स्टॉल भी अब आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि खुद का रोजगार कर रही हैं तो औरों को भी रोजगार दे रही हैं। आप ये तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि यहां महिलाएं जो है हल्दी बनाने का कार्य करती हैं और काफी इनको इस कार्य को करने के दौरान संघर्ष भी जरूर करना पड़ता है। आपको कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर यह भी जरूर दिखाना चाहते हैं कि हल्दी की विभिन्न तरह की वैरायटियां यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम विनोद देवी है, नरहाड़ा से आई है जी। हम मसाला अपने घर पर कूटते हैं जी, उखल मुसल से कूटते हैं, सब कुछ सामान लाकर घर पर कूटकर जब पैकिंग करते हैं जी। उसमें हमारा ग्रुप है स्वयं सहायता ग्रुप, उसके ऊपर हम काम करते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? एक ग्रुप में 10 महिलाएं हैं। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप है, धनिया है, मगर मसाला है, हल्दी है, जीरा है। और खास तौर से यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि पुराने समय के दौरान घरों में जो बोये होते थे वह भी यह महिलाएं बना रही हैं और आत्मनिर्भर बनने के कार्य को सफलता के साथ पूर्ण करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बोये को खास तौर से खजूर के पत्तों के माध्यम से बनाया जाता है और काफी आकर्षण युक्त रहता है। इसमें अपना फल और खाना कोई भी व्यक्ति रख सकता है। मेरा नाम रोशन है, हम सहायता समूह से हैं, सोनीपत से हैं। हम हल्दी अपने घर पर बनाकर ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसका तेल मतलब इसका प्राकृतिक तेल है, वो हम नहीं निकाला जाता है। इसमें अच्छी गुणकारी हल्दी है और हम अपने जो वेस्ट मटीरियल से और ये बनाते हैं, जिसमें हम अपनी रोटियां वगैरह ड्राई फ्रूट्स और कुछ भी सामान रखते हैं, वो खराब नहीं होता और अच्छा रहता है। पत्तियों का इस्तेमाल करके जो भैया बनाते हैं कुछ फायदा मिलता है? कितने दिनों से कर रहे हैं? फायदा मिलता है, हमारी मेहनत के पैसे मिलते हैं, हमारा ग्रुप निकल महिलाएं अपने खर्चा निकालती है इससे, आत्मनिर्भर हो गई है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी के किसान मेला चल रहा है और बहुत भारी संख्या में यहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं, क्योंकि महिलाएं भी विभिन्न तरह का कार्य जो है वो करके आत्मनिर्भर बनने के प्रति आकर्षित हो रही हैं। यानी के अगर खुद का कार्य करेंगे तो उनको कामयाबी भी जरूर मिलेगी। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि महिलाएं खास तौर से हल्दी और खजूर के पत्तों से विभिन्न तरह की टोकरियां बनाने में सफल हो रही हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही है कि वह भी इस तरह के कार्य कर आत्मनिर्भर बन सकती है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।